गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? एकदम ठीक, फिट, फाइन, बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर है। कल हम लोगों ने काफ़ी एमसीक्यूज भी कर लिए थे, आज बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर की खास बात क्या है कि इस चैप्टर से पिछले 3-4 सालों से, मतलब इस चैप्टर से और अगले वाले से पूरी यूनिट मिलाकर 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब डायरेक्टली आपके 40 मार्क्स, 15 क्वेश्चन का मतलब हो गया 60 मार्क्स, है ना? तो पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, है ना? आप इसमें 40, 50 या 60 क्वेश्चन मार्क्स, है ना, डायरेक्टली सिर्फ 2 चैप्टर से आप ऑप्टेन कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से करोगे तो काम बन जाए। मेरा नाम अनुराग है, आप लोगों को बच्चों बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, और साथ साथ में ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज़रूर ज्वाइन करना है मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में। रोज़ाना मॉर्निंग में 10 बजे मिलना है, राइट, ताकि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो सके, आप अच्छे से अपनी रिवाइज कर सके, अपनी चीज़ों को पढ़ सके। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अन अकेडमी के लर्नर से आप पे कराता हूँ फ्री स्पेशल क्लासेस में। ATSR कोड यूज़ करके ये ऐप डाउनलोड कर लें और रेगुलर बेसिस पर बहुत से डाउट सेशंस और प्रैक्टिस करते रहें। न केवल बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी पॉसिबिलिटीज़ है। पूरा सिलेबस, टेस्टिंग, थियरी, रिविजन, डाउट सेशन, सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ में, तो जो है आइकॉनिक या प्लस ज्वाइन कर लें। लाइव क्लासेस के थ्रू पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, अगर क्लासेस छूट गए तो उसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, वीकली टेस्ट है। आइकॉनिक में पर्सनल मेंटोरशिप, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिलते हैं, और एक पर्सनल गाइड आपको रेगुलर बेसिस पर मिल रहा होता है ना? साथ में अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट है अनसैट, और इसमें आप 100% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं IIT, नीट, 9 to 12 सारे क्लासेस के बच्चों के लिए, है ना? स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, साथ साथ में यूरो स्पेस सेंटर जाने का मौका मिलता है। 8 और 15 अक्टूबर को ये टेस्ट है, ATSR कोड यूज़ करके ज्वाइन कर, ज़रूर देना है टेस्ट। साथ में कोटा, नोएडा और पटना में हमारे नए ब्रांचेस खुले हुए हैं ऑफलाइन के, तो आप वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 22 सितंबर, 15 सितंबर, 5 सितंबर और 19 सितंबर, राइट? तो जरूर से जरूर पढ़ाई स्टार्ट करें, और नए बैचेस ऑनलाइन में, ये दोनों बैचेस हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आज जो बात करने वाले हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक से है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हम लोग रिवाइज करेंगे बच्चों, है ना? तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली है क्या? बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, किसी भी जो ऐसी चीजें करना जो ह्यूमन के यूजफुल के फॉर्म, मतलब यूजफुल हुई। अब वो किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? ये किसी भी चीज़ का, जैसे एंजाइम्स है, एंजाइम का कोई प्रोडक्ट है, किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया, किसी के जीन का इस्तेमाल किया, कुछ भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके जिससे ह्यूमन वेलफेयर हो, ऐसे पूरे प्रोसेस और पूरी टेक्नोलॉजी को कलेक्टिवली बायो टेक्नोलॉजी बोला। हालांकि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से, है ना? किसने? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये ऑलरेडी एक फुल फॉर्म के फॉर्म में आपसे पूछ ली जाएगी बच्चों, तो आप सारे के सारे बच्चे इसको जरूर, है ना, क्या सारे के सारे बच्चे इसको जरूर से जरूर, ठीक है? तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुई? इंटीग्रेशन ऑफ, ये समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा टफ है, बट आपसे पूछेंगे नहीं, आपसे ऑप्शंस मार्क कराएंगे, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल, पार्ट्स, देयर ऑफ मॉलिकुलर एनालॉग, किस चीज के लिए? फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये छोटी सी चीज है जो आपको यहां पर याद रखनी, ये छोटी सी चीज है जो बच्चों आपको यहां पर प्रॉपर याद रखनी, समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं? हाँ जी, डन डन डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको बिल्कुल क्लियर फॉर्म में रट लेनी है, ठीक है बच्चों? चलो परफेक्ट। ये बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, है ना, बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो ये किन किन जगहों पर इस्तेमाल हो सकती है? एग्जैक्टली लाइक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हम बायोटेक्नोलॉजी का भी डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सुनना, मेरी बात, बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं, इसलिए स्टेप स्टेप वाइज समझे। पहला, फर्स्ट वन,
आप बियर वाइन कर्ड ये जो बना रहे हो ना माइक्रोब से, एक तरह का ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में ही आता है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। आज जो जेनेटिक चेंजेस हम करते हैं उनको हम बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आपने पढ़ा होगा, कहाँ पर? फोर्थ चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो वहां पर भी आपको मिलेंगी चीजें। साथ में कोई नई जीन सिंथेसाइज करनी है, उसका कोई इस्तेमाल है, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो जाएगा। डीएनए वैक्सीन हम बनाते हैं आज की डेट में, जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका आपको जब लगता है वो एक एग्जाम्पल है डीएनए वैक्सीन का, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कहानी आपको समझ में आ रही, कहानी प्रॉपर समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ पाँच छः इस्तेमाल हैं, और भी बहुत से हैं, बट ये स्पेशली हम सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंतर है ना, के अंदर राइट कौन कौन से मेथड्स हैं, किसके थ्रू बायोटेक्नोलॉजी कर। तो देर आर टू मैथड्स थ्रू विच वी हैव परफॉर्म बायोटेक्नोलॉजी। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या वर्ड यूज किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है ये? जीन्स में कुछ चेंज कर दिया, वर्ड क्या यूज करें, जीन्स में कुछ चेंज कर दिया। तुम्हें पता है डीएनए ही है जो फ्यूचर में प्रोटीन बनाता है, वही प्रोटीन ही है जो हमारी बॉडी के फिनोटाइप को डिसाइड करता है, ये तो बताया था, पढ़ाया था। तो केमिकली चेंज कर दिया, ऑल्टर का मतलब क्या हुआ, हाँ जी, केमिकली चीजों को चेंज कर दिया, ऑल्टरेशन कर दिया, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया। अब इसको ऐसे समझो कि मान लो ए टी जी सी सी ये एक जीन है, और ये कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है, फॉर एग्जाम्पल केराटिन प्रोटीन, जिससे आपके बाल बनते हैं, नाखून बनते हैं। और अगर किसी के बाल कम है तो उसके अंदर ये जीन हम किसी तरह से अगर इंसर्ट कर दें तो उसकी हेयर फॉल की समस्या खत्म हो जाएगी, हाँ या ना, ऐसा कर सकते हैं या नहीं, छोटी छोटी सी चीज। तो केमिकली ऑल्टरेशन करते है ना, और इसको डायरेक्ट नहीं डालते कि ये देखो ये जीन है लो खा लो, ऐसा नहीं, इसको किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू डालते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज होस्ट। इसको बच्चों ऐसे समझो कि अगर मेरे पास एक पेन है, या मेरे पास अगर मेरा ये फोन पड़ा हुआ है ना, इस फोन को मुझे मून पर भेजना है तो क्या करूंगा, छत पे जाकर फेंक दूंगा, नहीं करूंगा, मुझे उसके लिए कोई कैरियर चाहिए, रॉकेट या जो भी है। वैसे ही होस्ट एक कैरियर होता है जो जीन को लेकर जाता है, ये लॉजिक समझ पा रहे हैं, हाँ या ना, ये मेरी बात समझ पा रहे हैं, बेसिक सा लॉजिक। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की, डीएनए आरएनए को हमने ऑल्टर्ड किया, उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला और उसमें से उसका प्रोडक्शन कर, ठीक है, डन। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनना, मैं इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी करनी है तो आप सिर्फ ये नहीं कि जीन में चेंजेस कर दिए हो गया, कई बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कराने जाओ और उस न्यूट्रिशन को कोई दूसरा खा लेता है, सुना मेरी बात, उस न्यूट्रिशन को कोई दूसरा खा लेता है, और जब दूसरा कोई खा लेता है और उस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करके वो ग्रो होने लगता है, लाइक ग्रो किया ही कोलाई, ग्रो हो गया लैक्टोबैसिलस, तो गड़बड़ बात हो गई, हमें तो प्रोडक्ट इकोलाई से चाहिए था, लैक्टोबैसिलस का प्रोडक्ट नहीं चाहिए था। तो हमें उस एरिया को मेंटेन करना है ऐसा, ताकि उसमें सिर्फ वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्रो हो सके, दिस इज कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन मैथड। क्या? स्टरलाइजेशन मैथड, टू मेंटेन द स्टराइल एम्बियंस, है ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टू मेंटेन दी स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोब्स एंड यूकैरियोटिक्स। छोटी सी बात है, याद रखें, छोटी सी बात है, इसको याद रखें। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इसको ध्यान से सुनो। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायर्ड जीन, सबसे पहला है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायर्ड जीन, पहली बात तो ये।
पता लगाना है वो डिजायर्ड जीन कौन सी है जिसको हमें निकालना है। हम सारी बातें समझेंगे बट आज टूल्स पर ज्यादा चर्चा है, किस तरीके से कौन कौन से मेथड से हम निकाल सकते हैं। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, क्लियर। तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू होस्ट, जो डीएनए पर्टिकुलर हमने निकाला है उसको होस्ट में कैसे डालें, और अगर डाल दिया है तो उसको मेंटेन कैसे करें ताकि वो वहां पर रेप्लिकेट कर सके, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो मेंटेनेंस ऑफ दैट इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट, ताकि वो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, एक से दो बना सके, दो से चार बना सके, फिर फ्यूचर में वो प्रोटीन बना सके, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए। क्या वर्ड यूज किया बच्चों? एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए, वेरी वेरी वेरी। अब यहां पर दो वर्ड दिए, एक ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब पुराने जमाने में नहीं हमने दो को आपस में क्रॉस कराया उससे नया कुछ बन गया, दैट इज ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। आज हम उस डिजायर्ड डीएनए को ही निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग। आइसोलेट करते हैं डिजायर्ड डीएनए को, जीन को, और टारगेट ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं। तो ये एक जो नया तरीका आया है, इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। डालते किससे हैं, वो कैरियर, वो वेहिकल क्या है, उसको बोलते हैं, है ना, प्लाज्मिड। ठीक है, ये एक तरह का क्या है बच्चों, कैरियर, याद रखेंगे, जो लेकर जाता है ना, तो उसके साथ में अटैच हो जाता है। इसमें ये डीएनए से बना होता है इसलिए वेक्टर डीएनए बोल दिया। आपको पता होना चाहिए प्लाज्मोडियम इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। निकाल लो तो मरेगा नहीं बैक्टीरिया, लेकिन रहेगा तो उसको थोड़ा बहुत फायदा भी करते, ये है। तो ये एक ऐसी चीज है, ठीक। और उस प्लाज्मिड के अंदर, दैट प्लाज्मिड इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला मैंने, कैरियर, या फिर एक दूसरा नाम याद कर लो, वेक्टर। क्या? बायोलॉजी में वेक्टर अलग होता है, फिजिक्स में अलग होता है। तो ये वेक्टर है, वेक्टर जो चीजों को लेकर जाए, जो कैरियर है, ठीक है। अब इस वेक्टर के अंदर रेप्लिकेशन पॉइंट होना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। रेप्लिकेशन पॉइंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बातें समझ पा रहे हैं? छोटी सी बात है, छोटा सा फंडा है, जितना कंसेप्चुअली याद रखोगे उतना अच्छा है ना, जितना कंसेप्चुअली याद रखोगे उतना अच्छा। तो उसके यहां पर हम डीएनए को अपने डाल देते हैं और वो मल्टीप्लाई करता है ना, ओराई पर अटैच करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलियन डीएनए या जो भी डिजायर्ड डीएनए है, वी हैव अटैच्ड टू विच पार्ट ऑफ होस्ट या कैरियर या वेहिकल, तो हम क्या बोलेंगे, ओराई पर। ओराई का मतलब अभी मैंने बता दिया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोला? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बिल्कुल छोटी सी चीज है, जितना कंसेप्चुअली समझोगे उतना ज्यादा अच्छा है, जितना ज्यादा कंसेप्चुअली समझ पाओगे उतना अच्छा है। ये प्रॉपर जोड़ना तोड़ना इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या आरडीएनए टेक्नोलॉजी, या बायोटेक्नोलॉजी, सब कुछ लगभग एक ही है। और पहली बार इस तरह से मॉडिफिकेशन करने वाले कौन थे? दो लोग थे, नाम क्या है, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ठीक है, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आसान। और उन्होंने सबसे पहले ये प्लाज्मिड बनाया, मॉडिफाई किया, और उसके अंदर ध्यान से सुनना, सेलमोनेला टाइफी की जीन है ना, उसके जो प्लाज्मिड है उसमें वो जीन अटैच की, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, सबसे पहले यहां पर फर्स्ट टाइम किसने जो वेक्टर है वो डिजाइन किया आर्टिफिशियली, तो आपको इनका दोनों का नाम याद होना चाहिए। किसमें बनाया था अगर कोई पूछे तो? सेलमोनेला टाइफी के अंदर मॉडिफिकेशन किया, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। आज चलो अपने टॉपिक की स्पेशली बात कर लेते हैं, और नाम है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें एक दो चीजें आपको ध्यान से समझनी, बाकी चीजें जरूरत पड़ने पर आगे पढ़ा दो। पहले समझो, मुझे एक घर बनाना है, ठीक है, और उस घर को बनाने के लिए, या मुझे एक रूम बनाना है, क्या चीजें जरूरत लगेंगी मुझे ये बताओ। ईंट लगेगी, सीमेंट लगेगा, मजदूर लगेंगे, यस और नो? वो छोटे मोटे छीनी हथौड़े क्या बोलते हैं उसको, यस
तो वो हर चीज जो इस कमरे को बनाने के लिए जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज टूल्स। उसी तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म करने के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं उनको क्या बोलते हैं, टूल्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर जब ये चीजें समझ में आ रही हैं, आप अगर आ रही हैं, तो सबसे पहली बात है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। भाई हमें डिजायर डीएनए काटना है, काटने के लिए क्या चाहिए हमें, कैंची, मॉलिकुलर सीजर। तो वो जो डीएनए डिजायर्ड है कि भाई ये पर्टिकुलर इसी जगह से काटे, यहां से काटे, एक स्पेशल एंजाइम है जो बैक्टीरिया में ही मिलता है, फंगस में मिलता है, नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका हमें इस्तेमाल इसमें करना होता है बायोटेक्नोलॉजी में। काटने के बाद किसमें डालें ताकि वो लेकर जाए, कैरियर जो मैंने बोला था, प्लाज्मिड वेक्टर, वेहिकल, कैरियर, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। और उस वेक्टर को डालोगे किसमें, किस ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो रेप्लिकेट कर सके। तो आंसर क्या हो गया, कॉम्पिटेंट होस्ट। ये तीन चीजें तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा छोटी मोटी चीजें वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात, छोटी छोटी बातें हैं, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से समझ लोगे तो मजा आ जाएगा, है ना। वरना तो लेंदी बनाने के लिए कितना भी लेंदी बना दिया, छोटी सी बात है, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा, है ना। ध्यान से समझना। नाम क्या है, नाम क्या है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट करता है, और यहीं सबसे कहीं से नाम आया, बट फिलहाल हम अपने काम की चीज समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस एंजाइम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आपने पढ़ा, हाँ, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आपने प्रॉपर पढ़ा, यस और नो? हाँ या पहली बात। दूसरा फंडा ध्यान से सुन, है ना। तो ये किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियेज एंजाइम की क्लास है ना, इनकी क्लास कौन सी, न्यूक्लियेज, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्लियर। दूसरा, पहली बार जो डिस्कवर वगैरह हुआ था वो ईयर वगैरह याद करना होता है। और पता है इनका काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं डिफेंस सिस्टम की तरह। ये क्या करेंगे पता है, ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर आया बैक्टीरियोफाज, इसके ऊपर आया कौन, बैक्टीरियोफाज। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है ना। अब ये जो बैक्टीरियोफाज है ना, अब ये जो बैक्टीरियोफाज है, राइट, ये अपना डीएनए इसमें डाल देगा ऐसे। तो अब इसके डीएनए इकोलाई के डीएनए के साथ में मिलना चाहता है बैक्टीरियोफाज का डीएनए, और फिर उसके बाद रेप्लिकेशन करके उसको खत्म कर, यही उसका प्लान है। कैसे इकोलाई का डीएनए बचे उससे, तो वो क्या करता है, अपने डीएनए के किनारे किनारे मेथाइलेशन कर देता है। जो उसका डीएनए है उसके किनारे किनारे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा, ताकि उसको पता चल जाए ये हमारा है। और जहां जहां मिथाइलेशन नहीं है, सपोज इसमें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। तो पहला काम क्या है, मिथाइल ग्रुप ऐड करता है अपने वाले में, ताकि अपना तो पता चल जाए, और दूसरा काम कट कर देता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो फर्दर ग्रो ही ना कर पाए। जो टूट गया, कट गया, वो क्या बचेगा। बातें समझ पा, छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट, ठीक है। अभी तक कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किए जा चुके हैं भाई साहब, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लगभग 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से डिस्कवर किए जा चुके हैं। छोटी सी बात है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है ना। बातें क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना। तो इन दो तरह से आपको ये समझते हैं, छोटी सी बातें हैं एनसीईआरटी। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। एग्जाम्पल क्या है, इको आर्बन। इको आर्बन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ई का मतलब एस्चेरेशिया, जो कि एक जीनस है, एस्चेरेशिया। को का मतलब कोलाई, जो कि एक स्पीसीज है। आर का मतलब, R1 का मतलब ये स्ट्रेन है, RY, और 1 का मतलब 13। ओरिजिनल मतलब क्या हुआ, इको आर वन का मतलब ई,
जो ई कोलाई से निकाले जाने वाला RY13 स्ट्रेन है, उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? इको आर वन, ये वर्ड याद रखें, है ना? उसको हमने क्या बोला? बातें समझ पा रहे हैं बच्ची? उजाला सोनी करके बच्ची है, 230 बैक्टीरिया नहीं थे बेटा, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रेन बताऊं क्या होता है? थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, तो चावल, चावल के दो स्ट्रेन के नाम बताओ अगर कोई पूछे, जैसे कि आप वैरायटी प्लांट में बोलते हो वैसे ही बैक्टीरिया में स्ट्रेन होता है, तो आप बोलोगे जी बासमती, काला नमक, ये सब कुछ वैरायटी होते हैं। चावल डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, उनको वैरायटी जैसे बोलते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया। 230 बैक्टीरिया नहीं थे, 230 वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया थे, दैट्स व्हाई स्ट्रेन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, डन। चलो अच्छा, तो इको आर वन का मतलब समझ में आया, ये फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट। अगली बात, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुन। ये डीएनए है, एक किनारे से कट कर दिया, एक्सोन्यूक्लियस, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। क्या एंड ऑफ द डीएनए? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डन। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? बीच से कट करता है, जैसे यहां पर देखो इको आर स्टार लगा, ये हमेशा देखो यहां पर लिख रहा हूं 5'3', GAATTC, यहां पर भी लिख रहा हूं 5'3', GAATTC। ठीक है, तो ये यहां से गिरा, तो ये हमेशा इको आर वन का काम क्या है? वो इस GAATTC वाले सीक्वेंस में G और A के बीच में कट करता है, ये इसका फीचर है। तो दे ऑलवेज कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए, ये लॉजिक समझ गए? हाँ बिल्कुल ठीक बात है ना, स्पेसिफिक पोजिशन पर कट करते हैं, राइट? एक एग्जाम्पल और, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या था? हाइंड टू, है ना? हाइंड टू, वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये वहां से निकालते हैं, नाम रख लेना। सिक्स बेस पेयर का, जैसे ये भी था ना GAATTC, वैसे ये भी 6 बेस पेयर का, 6 बेस पेयर का है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, उल्टा सीधा एक समान पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वर्ड यूज करते हैं, है ना? देखो इसको यहां से यहां पढ़ो, यहां से यहां पढ़ो, दोनों साइड से GAATTC, एंड जैसे जहाज, जहाज को सीधा पढ़ो चाहे उल्टा पढ़ो, डालडा, सीधा पढ़ो उल्टा पढ़ो, दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट? तुमको भी कोई ऐसा सेंटेंस वर्ड पता हो तो बताओ मुझे, जो उल्टा सीधा एक ही हो। बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं, है ना? चलो, हाँ, मलयालम जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ये। इनफैक्ट एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम है और इसकी लेबलिंग आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे, है ना? इसकी लेबलिंग आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेंगे। डन डन डन, बिल्कुल आसान। अब एक छोटा सा वर्ड दिया हुआ है, स्टिकी एंड। अच्छा, कोई चीज अगर आपस में दोबारा चिपक जाए, मतलब दोबारा जुड़ सकती है सेम पोजीशन, मान लो ये उंगलियां हैं किसी की, मान लो ऐसे एग्जांपल वाइज, जो दोबारा उसी पोजीशन पर जुड़ सकते उनको बोलेंगे स्टिकी एंड, और अगर वो नहीं जुड़ सकते, दोनों का शेप अलग अलग है, तो उनको क्या बोलेंगे? ब्लंट एंड। ये नहीं पढ़ाया गया होगा आपको, ना आपका सिलेबस है ना आपको पढ़ना है, ब्लंट एंड। एंड व्हाट दूसरा क्या है? स्टिकी एंड, ठीक है? स्टिकी एंड ब्लंट एंड, देर आर टू एंड्स, राइट? ये छोटी सी बात है जो आपको यहां पर समझनी है। एक और एंजाइम यूज होता है, मान लो मैंने एक वेक्टर को कट कर दिया, है ना, और उसकी जगह पर अपना डीएनए लगा दिया, लेकिन लगाया कैसे, जोड़ा कैसे? जोड़ने के लिए जो चीजें होती हैं, डीएनए को जोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है? डीएनए लाइकेज। क्या वर्ड यूज किया बच्चों? डीएनए लाइकेज। बहुत छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है, कंसेप्चुअली आप समझ पाओ, है ना? हाँ, ग्लू की तरह है, मॉलिकुलर ग्लू आप बोल सकते हो। एक चीज तो ये हो गई, है ना, एक चीज तो ये हो ही गई।
दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोनिंग वेक्टर। हम किसकी मदद से डीएनए को एक से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। जैसे प्लाज्मिड कहां से निकालते हैं, बैक्टीरिया से। बैक्टीरियोफाज क्या है, एक वायरस। ये डीएनए को एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए सफिशियंट होता है। प्लाज्मिड क्या है, फाउंड इन बैक्टीरिया, फर्स्ट थिंग। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। और याद रखना है ना कि व्हाट इज कॉपी पर सेल, मतलब एक सेल के अंदर कितने प्लाज्मिड हैं, दो होंगे, कई कई में 50 से 100 कॉपीज पर सेल होती हैं, तो नंबर ऑफ कॉपीज पर सेल जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, ठीक है। और बैक्टीरियोफाज का कॉपी नंबर उससे भी ज्यादा है, मैक्सिमम कॉपी नंबर का कोई पूछ ले तो तुम्हें आंसर देना है बैक्टीरियोफाज, तो ये वायरस के फॉर्म में है, ये बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर कर सकता है। तो दो चीजें आपको यहां पर मैंने समझा दी। रही बात वेक्टर की, तो ये मैंने तुमको कल समझाऊंगा एकदम सुकून से, इसके लिए अलग से क्लास प्रॉपर, एक इसी पर क्लास ही होगी। बड़ा नहीं आई अंडरस्टैंड, बट है बहुत आसान, बट मैं चाहता हूँ इसको अलग से तुम्हें समझाया जाए, ठीक है, अलग से प्रॉपर समझाया जाए। तो ढंग से पढ़ो, बस रिवाइज करते रहो, काम बन जाएगा, ठीक है। प्रॉपर मैं इसको वेक्टर को, मैं ताकि तुमको कोई कीवर्ड ना कंफ्यूज हो, रिकॉग्निशन साइट क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट क्या होते हैं, इंजर्शन इनएक्टिवेशन क्या होता है ना, ये छोटे छोटे टर्म्स बच्चे समझ ही नहीं पाते, ट्रांसफॉर्मेंट्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो ये सारी बातें हम लोग कल समझेंगे। और फिर फर्दर हम उसके प्रोसेस, पीसीआर स्टेप्स, ये सारी चीजें समझते हुए बायोरिएक्टर के बाद में, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद में खत्म, ठीक है। तो कल समझते हैं इसको, छोटी सी क्लास थी, और 15 मिनट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इशू। पढ़ते रहो, हार्डवर्क करो, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, ये मेरा कोड है एटी सर, ठीक है। तो पढ़ो, मेहनत करो, और मिलते हैं कल, और अभी मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है बच्चों।